जब हमें घर के स्मॉल स्पेसेस लाइक किचन ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना होता है तो उसके लिए हमें स्मार्टली वर्क करना होता है। आज आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे 4 नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, किचन ऑर्गेनाइजर्स जो कि आपके कैबिनेट और शेल्फ ड्रॉर्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। DIYs है, नो कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट, तो आपके पैसे भी स्पेंड नहीं होंगे। इस टिश्यू पेपर को देख के मुझे सबसे पहला किचन का होम हैक याद आ गया, चलो वही शेयर करती हूँ। फ्राइंग के लिए हम तेल तो निकालते ही रहते हैं। फ्राइंग के लिए अगर आप तेल निकाल रहे हो तो कम क्वांटिटी में अपनी कढ़ाई में निकाला करो, बाद में स्टोरेज में इजी रहेगा। कम क्वांटिटी में तेल लेती हूँ बट कुछ इस तरीके का हमारा वो तेल दिखने लग जाता है आफ्टर फ्राइंग। इसको जब हम छन्नी से छानते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से छनता नहीं है एंड कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे उस कंटेनर में आ जाते हैं। तो आपके साथ एक आज बहुत मस्त होम हैक शेयर कर रही हूँ जिसमें कि आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके का टिश्यू पेपर का। सिंगल प्लाई टिश्यू पेपर चाहिए। ये मैंने वो टिश्यू पेपर यूज़ किया है जो मैं सब्जियाँ स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो ही रीयूज़ कर रही हूँ, कोई फ्रेश टिश्यू नहीं निकाला है मैंने। सो उसको मैं अपनी छन्नी पर रख रही हूँ, छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है और इतना ही तेल है मेरे पास बचा हुआ फ्राइंग का, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो इससे हमारा तेल डबल छन के निकलेगा, जो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे कंटेनर में आ जाते हैं वो इससे नहीं आएंगे और जो बड़े बड़े होंगे वो हमारी छलनी से रुक ही जाएंगे। तो देखो कितनी जल्दी तेल छन गया और ये टिश्यू पेपर मेरा ऑलरेडी ख़राब हो ही रहा था, रीयूज़ भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। कार्डबोर्ड की तो यार हमारे घर में भरमार होती है, चलो आज इसी से नेक्स्ट किचन का नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। आज का होम हैक आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको बंद कर रही हूँ इस ब्राउन टेप से। टेप बाय द वे आप कैसे स्टोर करते हो? मैं टेप के एक एंड पे टेप का एक्स्ट्रा पोर्शन ही चिपका देती हूँ और ऐसे मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना मुझे किसी जिप टाई की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी टूथपिक की ज़रूरत पड़ती है टेप का एंड सर्च करने में। बहुत ही ज़्यादा केक वॉक वाला होम हैक है ये। तो अगर आपको भी टेप का एंड ढूंढने में बहुत परेशानी होती है तो इस तरीके से अपनी टेप्स स्टोर किया करो। कार्डबोर्ड को मैंने बंद तो कर दिया और इसके सारे फ्लैप्स मैंने कट कर दिए। तो ये एक हमारे पास एक स्क्वायर ऑर्गेनाइजर आ गया है। इसके जो फ्लैप्स हमने निकाले थे उनको भी मैंने पील कर लिया और इस तरीके का एक पैटर्न मेरे पास निकल के आ गया है जिसको मैं अगेन छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, बट ये पीसेस मैं इक्वल साइजेस में कट कर रही हूँ। इस नो कॉस्ट DIY को ना आप कहीं पे भी किचन में यूज़ कर सकते हो और जब ये बन के निकलेगा इतना सुंदर निकलेगा कि आप इसको ऊपर प्लेटफॉर्म पे या काउंटर टॉप पे भी रख सकते हो स्टोरेज के लिए। तो कुछ इतने इतने पीसेस मेरे पास आ गए हैं बट पीसेस कम हैं तो मैं कुछ और पीसेस कट करने वाली हूँ। और इस DIY नो कॉस्ट DIY की इंस्पिरेशन जो है वो ये वाली पैकेजिंग है। मैंने टोइंग रोप मंगवाई थी अपनी कार के लिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए और इसके साथ इतने हैवी हैवी शैकल्स भी आए थे। तो ये टोइंग रोप इसमें रैप होके आई थी कार्ड बॉक्स में और ये जो कार्ड बॉक्स का अंदर पैटर्न आप देख रहे हो ना, यही इस नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर की इंस्पिरेशन है। तो कुछ पीसेस मैं इसमें से भी कट कर रही हूँ। और बस अब मैं इनको ग्लू गन की हेल्प से सब जगह पेस्ट करती जाऊंगी। मैं इनको 3 साइड्स पे पेस्ट करूंगी एक साइड छोड़ के। सो एक साइड जो हम छोड़ रहे हैं उसको हम डबल साइड टेप से कहीं पे भी टाइल्स पे लगा सकते हैं या फिर मैंने जहाँ यूज़ किया वो मैं आपको बताती हूँ। कॉर्नर्स के लिए मैं थोड़े लंबे पीसेस यूज़ कर रही हूँ और उसको बाद में इन्हीं की शेप का साइज़ का कट कर दूंगी, बिकॉज कॉर्नर पे अगर ये कट वाले पीसेस लगा रहे हैं ना तो वो बहुत अच्छे से चिपक नहीं रहे हैं। तो बड़े पीसेस लेके मैं उनको बाद में साइड से कट कर रही हूँ। नाउ पेस्टिंग के लिए आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास फेविकॉल, फेविबॉन्ड, इवन नॉर्मल जो बच्चों की क्राफ्ट ग्लू होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। बस इनको zigzag पैटर्न में लगाते जाना है और एक बहुत सुंदर सा पैटर्न आपके पास निकल के रेडी हो जाएगा। ये कार्डबोर्ड को रीयूज़ करने का एक बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा पैटर्न भी आपके पास बन के आ जाता है जो कि आप डिस्प्ले में भी लगा सकते हो, सामने ही सामने कहीं पे भी लगा सकते हो और कोई भी आपसे पूछेगा ये आपने कहाँ से लिया है जबकि है अंदर कार्डबॉक्स।
मुझे तो ये पैटर्न बहुत पसंद आया, ब्रिक पैटर्न बन के आया है ये। आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, उसमें नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ऊपर के जो इसमें एजेस हैं उनको कवर करने के लिए मैं वाशी टेप यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आपके पास रिबन हो, कपड़ा हो, कुछ भी टाइप का पेपर हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसको आप अपनी टाइल्स पर लगा सकते हो डबल साइड टेप से। मैंने इसको लगाया है दरवाज़े में बिकॉज मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करनी हैं जो कि मुझे साफ़ सुथरी चाहिए, तो मुझे ढका हुआ प्लेस चाहिए। तो इसमें मैं रख रही हूँ अपने स्लाइसर एंड डाइसर के अटैचमेंट्स, जो कि अभी मैंने नया लिया है। ये मेरा एक्चुअली रिपीटिव परचेज़ है, हर 2 साल या 1.5 साल में मैं ये परचेज़ करती ही रहती हूँ, तो उसके साथ ऐसे अटैचमेंट आते ही आते हैं। इस बारी मैंने कुछ न्यू पैटर्न का लिया है जिसकी रील्स बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और इसके साथ इस तरीके का पीलर भी आता है, तो पीलर हर बारी मेरे पास एक नया ही आ जाता है। अभी घर में 3-4 हैं इस तरीके के। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लगा जरूर बताना। स्मॉल किचन्स जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है, ड्रॉर्स कैबिनेट भी लिमिटेड होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, और हर बारी हम खरीद भी नहीं सकते हैं। चलो आज एक DIY करते हैं। इस तरीके के मैंने कुछ प्लास्टिक कप्स ले लिए हैं, प्लास्टिक के ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, और इनको मैं अपने इस ड्रॉर में यूज़ करने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं इनके नीचे लगा रही हूँ ये डबल साइड टेप। ये टेप आप दीवार पे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे पेंट का सरफेस होता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, डैमेज नहीं करती है वॉल को, किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। तो इस वक्त मेरे जो ये कटलरी ड्रॉर है इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। 2 मैंने इसमें डब्बे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करे हैं, बट स्टिल ये मेसी लग रहा है। तो अब इसकी थोड़ी लुक चेंज करते हैं और इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स, ये बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो आपको ये ऑर्गेनाइजर्स कहाँ से मिलेंगे अभी बताती हूँ। तो इस तरीके की 2 ट्रेज मैंने इसी सेक्शन में लगा दी, डबल साइड टेप की वजह से ये हिल भी नहीं रही है। अब जो ये कार्डबॉक्स का ऑर्गेनाइजर मैं किचन में यूज़ कर रही थी जिसमें स्पून्स और फोक्स दोनों मिक्स थी, तो अब मैं दोनों को सेग्रीगेट करके अपनी अपनी जगह रख रही हूँ। और अब देखो कितनी अच्छी से अरेंज्ड एक क्लीन स्पेस लग रहा है। आप यहाँ देख रहे हो मैंने और भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस इस ड्रॉर में यूज़ करे हुए हैं, जबकि इस ड्रॉर में ऑलरेडी सेग्रीगेशन पार्टीशन है, बट स्टिल मैंने और पार्टीशन क्रिएट करी हुई है ऐसे कार्डबॉक्स बॉक्सेस को यूज़ करके। बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है। इस तरीके के छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी मैंने यूज़ करे हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे अभी बताती हूँ। इस तरीके का न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट का पैक आता है, छोटा पैक भी आता है, बड़ा पैक भी आता है। तो जो बड़े वाले बिस्किट्स का पैक होता है उसमें बड़े वाले ऑर्गेनाइजर्स आपके निकलते हैं, जिसमें कप होता है जिसमें बिस्किट आपके स्टोर होके आते हैं। इसी टाइप के आपके कुकीज़ के भी पैक्स आते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब जो कार्डबॉक्स हमने निकाला था जिसमें हमारी स्पून्स थी, उसको हम बीच में से कट कर रहे हैं 2 हाफ में। 2 हाफ में कट करने के बाद इनको मैं एक के अंदर एक डाल दूंगी और आपका एक और पतला सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया कार्डबॉक्स से, जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगे, 0 कॉस्ट है। अब ये पतले से ऑर्गेनाइज़र को आप अपने किचन ड्रॉर में, किचन कैबिनेट में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी पतली पतली चीज़ें स्टोर करने के लिए। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसी सेक्शन में एक और सेक्शन अंडर क्रिएट करने के लिए, और उसमें मैंने स्टोर किए हैं पिज़्ज़ा कटर्स, पीलर, एक छोटा सा विस्क जो कि इसके ही साइज़ का था और इसमें आ गया अच्छे से। तो 3-4 चीज़ें इसमें एक ही जगह आ गई, जो कि अब फैली हुई नहीं लगेंगी, अपनी अपनी जगह पे सब डेडिकेटेड है, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगी। तो अभी तक मैंने 2 सेक्शंस क्लीन करे हैं और वो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये है बिफोर लुक जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और अब देखो आप आफ्टर लुक कितना ज़्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा है। अभी इस ड्रॉर में और ज़्यादा थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि टाइम के साथ होता रहेगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास आते रहेंगे, वैसे वैसे इसकी चेहरा, लुक, हुलिया सब चेंज होता रहेगा। आज के ये 4 नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर कॉमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।